हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल किचन। मैं शमीम पटेल। आज मैं आपके साथ एक स्नैक्स रेसिपी शेयर करूंगी, चिकन एग मफिन, जिसे आप सुबह नाश्ते में भी बना के सर्व कर सकते हैं, किसी भी पार्टीज़ में शाम की चाय के साथ भी बना के इसे सर्व कर सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही ईजी और खाने में बहुत ही टेस्टी है। 6 to 7 एग, 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन, इसे मैंने इस तरह छोटे पीसीस में काट लिया है, 3 चीज़ क्यूब, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून टिक्का मसाला, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून शिजवन सॉस, 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, 1 टेबलस्पून मायोनीस, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून बटर, एक छोटा कैप्सिकम बारीक कटा हुआ, एक टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 ऑनियन बारीक कटी हुई, 2 टेबलस्पून पत्ता गोभी बारीक कटी हुई, चुटकी बेकिंग सोडा, नमक स्वाद अनुसार। सबसे पहले हम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। चिकन, अदरक लहसुन पेस्ट, टिक्का मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, नमक, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कि मैंने सब मसालों को चिकन में मैरिनेशन कर लिया है। इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद ये हमारी चिकन मैरिनेट हो गई है। अब हम इसका मसाला रेडी कर लेंगे। एक पैन में बटर गरम करें, इसमें चिकन डालेंगे और इसे 1-2 मिनट तक इसे थोड़ा पकाएंगे। में 2 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे और इसे 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि चिकन थोड़ी गल जाए। इसमें 1 टेबल स्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, सिज़वन सॉस, मायोनीस, और इसे थोड़ा मीडियम फ्लेम पे थोड़ा पकाएंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। हम इसमें बारीक कटा हुआ कैप्सिकम और पत्ता को भी बारीक कटी हुई डालेंगे और इस मसाले को थोड़ा सूखा होने तक भूनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अच्छे से ड्राई हो चुका है। हम गैस बंद कर देंगे। इस क्यूब चीज़ को मैंने क्रश कर लिया है। इन सारे अंडों को मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। इसमें थोड़ा ओरेगानो, चिली फ्लेक्स, नमक, बेकिंग सोडा, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये जो चीज़ हमने क्रश करके रखा है उसमें से थोड़ा चीज़ डालेंगे। इसमें थोड़ा सा ही डालना है और इस अंडों को हम फेंट लेंगे। इस तरह से हमें सारे अंडों को हैंड मिक्सी से थोड़ा बीट करना है। ये हमारा चिकन का मसाला ठंडा हो चुका है। अब इस मफिन मोल को मैंने बटर से ग्रेस करके रखा हुआ है, इसमें थोड़ा थोड़ा चिकन का मसाला डालेंगे। देखिए इस तरह से सारे मफिन मोल्ड में मैंने चिकन का मसाला भर दिया है। हम इसके ऊपर थोड़ी ऑनियन डालेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सब कप में ऑनियन डाल दी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ डालेंगे। अब इसके ऊपर ये बीट किया हुआ अंडा डालेंगे। सारे मफिन कप में इस तरह से सारे मफिन कप को बीट किए हुए अंडा डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़े टमाटर के पीस डालेंगे जो हमने बारीक काट के रखे हुए थे वो। देखिए इस तरह से सारे मफिन कप में मैंने टमाटर डाल दिए हैं। अब इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा चिली फ्लेक्स डालेंगे, ओरेगानो डालेंगे,
हरा धनिया से गार्निश करेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप हरा धनिया डालना चाहें तो। इसके ऊपर थोड़ा फिर से थोड़ा चीज़ डालेंगे इस तरह से। देखिए सारे मफिन कप में मैंने चीज़ डाल दिया है, वो हम इसे बेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस ओवन को मैंने पहले से ही प्रीहीट करके रखा हुआ है, इसे 180 डिग्री पर 15 मिनट तक बेक करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 15 मिनट बाद ये हमारे मफिन बेक हो चुके हैं, वो हम इसे मोल्ड से निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब इस मफिन को हम मायोनीज से गार्निश करेंगे और सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। इसके ऊपर हम मायोनीज रखेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने सारे मफिन को मायोनीज से गार्निश कर लिया है। अब हम इसके ऊपर टमाटर के पीसेस रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा चिकन एग मफिन रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म टोमेटो सॉस के साथ सर्व करें, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।